नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं कंगना रनावत की होस्टिंग से सजे हुए एकता कपूर एंड मॉल शाइन के न्यायती नल्ले वर्जन ऑफ बिग बॉस की। बिग बॉस में हम देखते हैं आलीशान घर होता है जहां पर किचन भी बड़ा सा होता है, डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया और तमाम तरीके की सुख सुविधाएं रहती हैं। कुछ सुख सुविधाएं छीन ली जाती हैं जिन्हें पाने के लिए लोग टास्क करते हैं, वैसे यहां पर एक आलीशान सा जेल बना दिया गया है। जेल के अंदर एक और जेल बना दी गई है और ये सेट बनाया है उमंग कुमार ने, जो कि बिग बॉस का सेट भी बनाते हैं। और ये जो शो है इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है एंडेमॉल का। अब एंडेमॉल वाले बिग बॉस बनाते हैं कलर्स के लिए, कलर्स के आदेश के अनुसार। और यहां पर एकता कपूर के आदेश के अनुसार, ऑल्ट बालाजी के आदेश के अनुसार, एंडेमॉल वाले यहां पर फेयर तरीके से जाएंगे या फिर अनफेयर तरीके से जो भेदभाव का बोलबाला होता है वो यहां पर होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कंगना रनावत जो बाहर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकती हैं, यहां पर कहीं ना कहीं मुझे काफी हद तक वो थूक कर चाटती हुई दिखाई दी, जहां पर साफ साफ दिखाई दिया कि कंगना रनावत अक्सर जिन चीजों के खिलाफ बातें करती थी, खुद कंगना रनावत वही चीजें कर रही थी। और यहां पर ऐसे जर्नलिस्ट आए हुए थे जो अक्सर बिग बॉस में भी आ चुके हैं, और सिद्धार्थ करण जैसा इंसान जो कि सोशल मीडिया पर सिडनास सिडनास की पीपड़ी बजाता रहता है, कैसे लोगों को यूज करता है, मैनिपुलेट करता है मेकर्स के आदेश के अनुसार, यहां पर उसको कंगना रनावत एक प्रेस्टीजियस जर्नलिस्ट का टैग दे रही थी। तो मिस मालिनी या फिर वो ये जो बिग बॉस के अंदर त्यागी जी आए थे, ऐसे लोगों को प्रेस्टीजियस जर्नलिस्ट बोल बोलकर कंगना रनावत प्रमोट कर रही थी। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि कंगना रनावत काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड और बिंदास अंदाज में बात करती हैं। तो बेसिकली यहां पर कंगना रनावत वही चीजें कर रही थी जिसके लिए उन्होंने सलमान खान को टॉन्ट मारा था कि ये तुम्हारे भाई का शो नहीं है। सलमान भी मेकर्स की स्क्रिप्ट पढ़कर बोलता है, यहां पर कंगना रनावत भी मेकर्स की स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी और उनकी आंखें देखकर क्लियरली लग रहा था कि सामने बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जिसे कि कंगना पढ़ रही, क्योंकि वो डायरेक्ट कैमरे में नहीं देख रही थी, वो कैमरे से नीचे देख रही थी। क्लियरली दिख रहा था कि वो पढ़ रही हैं और बार बार चुटकी बजा के ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग थी। अब यहां पर जो कंटेस्टेंट आए हैं काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट हैं। हालांकि कुछ एक कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि हमने बिग बॉस के अंदर देखे, जैसे केवी द कोब्रा, पायल द रोहतागी और वो तहसीन द पूना वाला जो कि बिग बॉस 13 में आए थे ये बोलकर कि मैं जीतूंगा जीतूंगा और एक ही हफ्ते में निकल लिए थे। तो यहां पर ये जो कंटेस्टेंट है, चाहे पायल रोहतागी हो, चाहे वो करणवीर कोबरा, तहसीन पूना वाला, जैसे ये बिग बॉस में बड़ी बड़ी बातें करते थे, यहां पर भी वो बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे थे। अब चूंकि ये शो है ओटीटी पर और यहाँ ऑल्ट बालाजी और एमएक्स पर है, तो ये 18+ शो है। 18+ से याद आया एडल्ट कंटेंट, एडल्ट कंटेंट को भर भर के प्रस्तुत करने के लिए पूनम द पांडे भी आई हैं। पूनम पांडे को पहली दफा मैंने इतने कपड़ों में देखा, अदरवाइज तो वो इतनी संस्कारी सीधी बच्ची है कि कपड़े भी नहीं पहनती भाई, बड़े सभ्य शरीफ घराने से आई है, कपड़े वगैरह सब त्याग दिए हैं उसने। अब भैया इससे ज्यादा डिसेंट फोटो ना मेरे को पूनम पांडे के मिले नहीं, क्योंकि इसके अलावा जो फोटो है वो अगर मैं ये डाल दूंगा ना तो ये वीडियो भी ए लेवल में चला जाएगा, एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। वैसे ये वही पूनम पांडे है जो पॉर्न वीडियोज वगैरह डालती रहती, लेकिन ये थी ये तो इरोटिका बनाती हैं, अगर ये इरोटिका बनाकर कंगना के शो में आ सकती हैं। लेकिन कंगना तो रिहाना को पॉर्न स्टार बोला करती थी, पॉर्न सिंगर बोला करती थी, लेकिन यहां पर आप देख लीजिए पूनम पांडे के साथ स्टेज और स्क्रीन शेयर करके वो किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया के ऐसे लपूझन्ने टाइप के इन्फ्लुएंसर्स भी आए जो सिर्फ रील बना बना के फेमस हो गए। एक लड़की है उसका नाम मैं भूल गया, शायद कोई अरोड़ा करके, जिसको कंगना रनावत ने बोला कि आपने ये जो बनाया है ये क्या है, ना तो इसमें एक्टिंग है, ना इमोशन है, ना ही आप गा रही हैं, ना ही आप डांस करी। तो ये जो लड़की आई है ये हमारे समाज के उस तबके को रिप्रेजेंट कर रही है जो इंस्टाग्राम पर मुजरे करते हैं, जिन्हें कोई टैलेंट हो ना हो लेकिन जस्ट बिकॉज वो लड़की है और लड़की होने की वजह से ठरकियों की जो भरमार है वो उन्हें फॉलो करके उन्हें स्टार बना चुकी है। तो यहां पर ऐसे ऐसे लोगों को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा, फेम दे दिया जाएगा, लखपति करोड़पति बन जाएंगे, जो कि शायद वो डिजर्व नहीं करते। अब भैया यहां पर देखिए कैसे कंगना ने थुक्कर चाटा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप जैसी लड़कियों में ना एक्टिंग है ना एक्सप्रेशन है, बस आप लड़की हो, किलो के भाव से आपने मेकअप थोपा, टनों के हिसाब से लिपस्टिक लगाई, कूले इधर उधर मटकाए और चल पड़ी लिपसिंग करके। तो एक तरफ कंगना कह रही है कि आप में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इनको लेकर के क्यों आ गए हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहिए, एक्शन कहिए, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि कंगना किस कदर थूक कर चाट रही है। एक तरफ वो पूनम पांडे को अपने शो में लेकर के आ गई है, रेहाना को पॉर्न स्टार बोलती है, लेकिन पूनम पांडे के लिए अलग ही जस्टिफिकेशन, अलग ही चीज है। और पूनम पांडे तो इतनी महान सती सावित्री बन रही जिसकी कोई हद नहीं, और वहीं ये अरोड़ा करके नल्ली सुपरस्टार उसकी इंस्टाग्राम की, मतलब आप देख लीजिए। एक तरफ कंगना कह रही है कि खुद आप कुछ हो नहीं, वहीं आप लेकर के आ गए, इन्हें सेलिब्रिटी बना रहे,
तो मतलब समझ से परे थी ये बातें कि कंगना बोल क्या रही है, कर क्या रही है और दिखा क्या रही है भाई। सो वो इंस्टाग्राम वाली लड़की जिसका मुझे नाम तक नहीं पता, एक दो और लड़के हैं, कोई शर्मा करके दो लड़के हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, एक वो लड़की कम लड़का नहीं लड़का कम लड़की क्या नाम था, स्वप्निल शिंदे करके कोई लड़का था, वो अब लड़की बन चुका है सेक्स चेंज करा के। और भैया मेकअप वाली तस्वीर आपने देखी, अब आप असली तस्वीर देखो, मतलब ऊपर वाला कुछ सोच कर ही इंसान को नीचे भेजता है बना करके, आप उसमें आप खुद परिवर्तन करते हो तो फिर नतीजा क्या निकलता आप ये देख लीजिए। मेकअप जब इस लड़का उर्फ लड़की ने उतारा तो भैया भूत लग रहा था पूरा, कि मतलब बच्चा कोई देखे तो डर के भग जाए ऐसे। यहाँ पर एक निशा रावल भी आई है, वो करण मेहरा की वाइफ, इन्होंने अपने घर का झगड़ा सड़क पर लिया थी, कंट्रोवर्सी करी थी। यहाँ पर एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी है वो ये कि कंगना रनावत की बोलती बंद कर दी थी पायल रोहतगी जो भी है, और मुनव्वर फारूकी को एक्चुअली राइट विंग वालों ने सेलिब्रिटी बना दिया। और जिस तरह से कंगना और सुनील पाल जो कि कॉमेडियन है वो भी यहाँ पर मुनव्वर फारूकी से डिबेट करने आए थे, तो मुनव्वर ने एक कॉन्फिडेंस तो दिखाया है और कुछ हद तक उसकी हरकतें मुझे बिग बॉस 15 के विशाल कोटियान से मिलती जुलती लग रही। विशाल कोटियान भी कैमरे पर आके बोलबम और सूत्रधार का किरदार निभाया करता था, यहाँ पर मुनव्वर फारूकी भी कैमरे में आके बात कर रहा है, ये झोल रूम है, ये मल्या यहाँ रहता होगा, ये लेफ्ट ब्लॉक ये राइट ब्लॉक, मतलब लेफ्ट विंग राइट विंग की लड़ाई वाला कहीं कॉन्सेप्ट ना हो, तो जैसे एक सूत्रधार का किरदार वहां पर विशाल कोटियान निभाता था, यहां पर वो किरदार मुनव्वर फारूकी निभा रहा है। मुनव्वर फारूकी ने कंगना के लिए काफी सारे भद्दे ट्वीट करे थे, 2 रुपए में बिकती है ऐसे वैसे करके, लेकिन वो खुद कंगना के शो में आ चुका है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्ट विंग वाले और राइट विंग वाले आपस में लड़ते रह गए, लेकिन लेफ्ट विंग की तरफ से मुनव्वर और राइट विंग की तरफ से कंगना दोनों एक साथ में एक ही शो कर रहे हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं पब्लिक को जबरदस्त तरीके से चूतिया बना के चले गए हैं। हालांकि मुनव्वर फारूकी से कुछ लिब्रांटू बड़े अपसेट थे, तो मुनव्वर फारूकी ने डंकी के चोट पर बोल दिया, भैया आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे को जब जेल हुई तो आपने कोई सपोर्ट करके एहसान नहीं करा, ऐसा मत जाता हूं कि आप लोगों ने मेरे को कोई वोट करा हो ये वो, जस्ट बिकॉज कि वो शो कंगना का है तो मैं शो नहीं करूं, पैसे नहीं कमाऊं, अपना काम नहीं करूं। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो राइट विंग और लेफ्ट विंग करते रहते हैं, इवेंचुअली ये सारे लोग पब्लिक को मिलकर के बेवकूफ बनाते हैं। कंगना के लिए आइडियोलॉजीज और ये तमाम जो बातें करती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज में पब्लिसिटी में रहने का एक जरिया है, और मुनव्वर फारूकी जो कि ऐसे तो कहने को स्टैंड अप कॉमेडियन है, जब इसके शोज बंद हुए, जब इंदौर में इसे अरेस्ट किया गया, इसने काफी विक्टिम कार्ड खेले थे कि भैया ये इसके साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और यहां पर स्टेज के ऊपर भी बड़ी जस्टिस की बात कर रहा था, इनजस्टिस हुआ है, ये हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा था, लेकिन ये कंगना और सुनील पाल जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहां पर इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लोगों ने मिस कर दी जब ये मुनव्वर फारूकी से ये नहीं बोल पाए कि भैया तेरे को सिर्फ शो कैंसिल करने की धमकियां मिली, तुझे सिर्फ मारने की धमकियां मिली, तो तू कहने लग गया, विक्टिम कार्ड खेलने लग गया कि भैया करियर खत्म कर दिया, मैं कॉमेडी नहीं करूंगा, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। जबकि अभी रिसेंटली कर्नाटका में एक हर्षा करके लड़का उसे जान से मार दिया गया, गुजरात में किशन भारवाद करके एक लड़का उसे जान से मार दिया गया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट की, तो तुमको सिर्फ धमकियां मिली तो तुमको भैया बड़ा डर लग गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ गई, लेकिन वो लड़के उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट करी उन्हें जान से मार दिया गया। इसके बारे में ना कंगना के मुंह से कुछ निकला ना ही सुनील पाल के मुंह से निकला, देखना काफी अच्छा लगता है ये किस तरीके से उस चीज को डील करता है कि तुमको तो सिर्फ धमकियां मिली, तुम्हारे तो सिर्फ शो कैंसिल हुए, लेकिन वहां तो लोगों की जान ले ली गई। देखना इंटरेस्टिंग होता कि मुनव्वर फारूकी वहां पर क्या स्टैंड लेता, क्या उसके बम में यह दम होता कि वो जो हर्षा के हत्यारे हैं उनके खिलाफ कुछ बोल पाता। ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर तो बड़े जोक बनाता है, लेकिन अपने इस्लाम के ऊपर इसने कभी कोई जोक्स नहीं बनाए। तो यहां पर कंगना रनावत और सुनील पाल दोनों के पास अच्छे मौके थे मुनव्वर फारूकी को एक्सपोज करने के, उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के, उसके डबल स्टैंडर्ड की, तेरे को तो सिर्फ धमकियां मिली उसके ऊपर तूने इतना रंडी रोना किया, लेकिन वहां पर तो दो लोगों की जान ले ली गई, लेकिन तुम वहां पर कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम्हें खुद को फतवे से डर लगता है। तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन किसी और की नहीं, कोई और कुछ बोलेगा तो उसका डायरेक्ट सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, फतवा दे दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे मुंह में दही जम जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक तुम बड़े शौक से उड़ाते हो, लेकिन अपने धर्म के ऊपर जोक बनाने में तुम्हारी फटके 4 हो जाती है। यहाँ पर अगर जो करंट घटनाक्रम चल रहा है इसके ऊपर मुनव्वर फारूकी का स्टैंड क्या है, ये यहाँ पर कंगना रनावत और सुनील पाल दोनों को लेकर के आना था। देखिए जब ये चीज हो रही थी टीवी पर, जब मैं देख रहा था, मेरे माइंड में ये बात
ऑन द स्पॉट आ गई थी कि भैया मैं अगर वहां होता तो ये सवाल फट से मैं उसके थोबड़े पर मारता कि तुझे सिर्फ जान से मारने की धमकी मिली तो तुझे लग रहा कि भाई तेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ गई है, यहां तो लोगों को जान से मार दिया गया है, क्या तू उसे अन्याय इनजस्टिस बोलेगा या नहीं बोलेगा, या फिर तू सर तन से जुदा करने वालों को तू सपोर्ट करेगा। तो यहां पर मुनव्वर फारूकी को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज किया जा सकता था, लेकिन कंगना और सुनील पाल दोनों ही ये मौका चूक गए। खैर यहां पर बबीता फोगाट भी है, फोगाट सिस्टर्स में से एक, जो कि कुश्ती भी लड़ती हैं और राजनीति के अखाड़े में उतरी थी, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गई। बीजेपी के लिए खूब ज्यादा खुलकर बोलने वाली पायल रोहतगी और कांग्रेस के स्पोक पर्सन तहसीन द पूनावाला ये भी आए हैं। पूनावाला साहब बिग बॉस में भी, बिग बॉस 13 में बड़ी बातें करते थे, कोई सबक नहीं सीखा, यहां पर भी है। करणवीर बोहरा भी आया, जैसे वो बिग बॉस 12 में बड़ी बड़ी बातें करता था, बाहर उसकी बीवी ओपन लेटर लिखा करती थी, रंगू का जो शो था कल बिग बॉस वहां पर जो हरकतें करता था ये केवी, बाहर उसकी बीवी, उनका जिक्र कंगू के शो में यहां पर कंगू ने भी किया है। मतलब कंगू, रंगू और केवी, मतलब ये सब कुछ यहां पर ऐसा लग रहा था कि देखा दिखाया जैसा लग रहा है। बस रंगू के शो में करणवीर तो कोबरा कुछ कर नहीं पाया था, बाहर इनकी बीवी ने ओपन लेटर लिखे थे, तो रंगू का शो भी एंडेमोली बनाता है। और यहां पर रंगू के उस बिग बॉस 12 में जो जो हरकतें हुई, ओपन लेटर वगैरह सब लिखा गया, बाद में केवी तो कोबरा ने कैसे कैसे विक्टिम कार्ड वगैरह ब्लेम कार्ड वगैरह खेले, इनका यहां मेंशन किया जरूर गया, लेकिन केवी तो कोबरा कही है या फिर तहसीन पूनावाला अपने सीजन के ब्लंडर से इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा या अपने आप को जस्टिफाई करते रहे। इनफैक्ट केवी तो कोबरा ने तो यह भी बोल दिया कि भैया ये उसका 11वां रियलिटी शो है, क्या पता वो जीत के चला जाए। भाई हो भी सकता है, क्योंकि एकता कपूर का शो है, एकता केवी द कोबरा की खास है। और आपको याद होगा दिव्या दा अग्रवाल ने बिग बॉस ओटीटी में फर्स्ट वीकेंड के बारे में कहा था वो ट्रॉफी लेके जाएगी, वो ट्रॉफी लेके गई। और बिग बॉस 15 में हमने देखा ग्रैंड प्रीमियर नाइट में ही इसने तेजस्वी ने बोल दिया था वो यहाँ ट्रॉफी जीतने आई है, वो ट्रॉफी लेकर के गई। ऐसे ही केवी द कोबरा ने भी बोला है कि वो 11वां सीजन है और 11 नंबर शगुन का होता है, ओम नमः शिवाय का नाम लेकर वो जीत के जाएगा। भाई क्या पता जीत भी जाए, आफ्टरऑल यहाँ तो यही होता भैया, एक हिंट टाइप की मिल जाती है लोगों को प्रीमियर नाइट में कि क्या होने वाला है। और ये चीज कैसे होती है आपको सबको बताइए। केवी उर्फ करणवीर बोहरा से याद आया करण मेहरा, जिनकी वाइफ निशा ने पिछले साल काफी तांडव किया था, बीच सड़क पर अपने घर का झगड़ा ले आई थी, कंट्रोवर्सी करके वो यहां पर आ गई हैं। अब यहां पर वो किस तरीके से सरवाइव करेंगी, बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, और जिस तरीके से यहां पर स्पेसिफिकली कैमरा उनके अंडरगारमेंट्स पर फोकस किया गया एसेंशियल्स के तौर पर लेके आएंगे, ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा, वो भी जब मीडिया के लोग वहां पर सब बैठे हुए थे। तो यहां पर अब चूंकि ओटीटी है, ऑल्ट बालाजी है, 18+ कंटेंट है, तो भाई कुछ नहीं मिला तो यहां अंडरगारमेंट्स के ऊपर ही कैमरा फोकस कर दिया गया, आप ये लेके जाओ वो लेके जाओ। मैंने कंगना भी बात करती कि मैंने ये पहली बार देखा ब्रा पेंटी, ये सब दुनिया भर का, अपन उसमें नहीं घुसते। तो ये सब कुछ कंटेस्टेंट है, कुछ एक कंटेस्टेंट है वो एक चक्कर पानी महाराज जिन्होंने गौमूत्र की पार्टी करी थी, तो यहां कंटेस्टेंट काफी यूनिक लग रहे हैं, बिग बॉस के कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं। एक वो लड़का लड़की बन गया सेक्स चेंज करा के, एक स्वामी जी हैं, तो एक ऐसा कॉमेडियन है जो हिंदू धर्म के ऊपर ही जोक्स बना बना के कंट्रोवर्सी करके पैदा हुआ, सेलिब्रिटी बना। वहीं बीजेपी की तरफ से फायर ब्रांड, जो मतलब मुंह से आग निकालती है पायल, जिसने कहीं ना कहीं बड़बोली कंगना का मुंह बंद कर दिया। कंगना को यह दिक्कत है कि पायल आप मेरा नाम क्यों ले रही हो, लेकिन यही कंगना आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण का नाम ले सकती है, क्या ऋतिक का भी नाम ले सकती है, किसी और के लिए कुछ बोल सकती है, लेकिन पायल रोहतगी नहीं बोल सकती। तो यहां पायल रोहतगी ने कहीं ना कहीं कंगना को और सामने जो मीडिया बैठी थी, मीडिया वाले कह रहे थे कि पायल आप कौन होती हो कुछ बोलने वाली, पायल कह रही थी कि मेरा भारत महान, मेरा क्या योगदान, मैं लोगों को अवेयर करती हूं, मीडिया वाले बोलने लगे कि आपको वैलिडेट कौन करता है। तो कंगना मीडिया के सपोर्ट में कूद पड़ी कि भैया मीडिया वाले तो किसी बड़े ब्रांड के लिए या ऑफिस के लिए या एक लीगल तरीके से काम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो मीडिया वाले भी बातों की ही खाते हैं, कंगना भी बातों की ही खाती हैं, कंगना तो किसी मीडिया हाउस के लिए काम नहीं करती हैं, तो कंगना कौन होती हैं पायल को बोलने वाले कि पायल आप कभी भी लाइव आ जाती हो कुछ भी बोल देती। कंगना जैसे आप अपने मन से कभी भी लाइव आ सकती है, वैसे पायल रोहतगी भी आ सकती है। मैं यहाँ पायल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंगना का एक डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं कि कंगना खुद भी तो किसी का नाम ले सकती है, लेकिन पायल रोहतगी कंगना का नाम नहीं ले सकती। तो यहां पर कहीं ना कहीं कंगना के गुर्दे छील दिए पायल रोहतगी ने, कंगना के गुर्दे छीलने के साथ साथ पायल रोहतगी ने कहीं ना कहीं मीडिया को भी एक्सपोज कर दिया। इस मीडिया के लोगों को यह तो दिख रहा है कि मुनव्वर फारूकी एडल्ट जोक करता, जो कि कंगना खुद बोली सुनील पाल के साथ कि मुनव्वर फारूकी के जोक रहते वो एडल्ट होते हैं, लेकिन एडल्ट कंटेंट बनाने वाले पूनम पांडे को आप यहां पर लेकर के आ गए हो। आपने घर के अंदर वॉशरूम भी ऐसा बनाया है जो मतलब ओपन है और सबको इंडियन टॉयलेट दिया गया है छोटे छोटे कमरों के अंदर, लेकिन जो नहाने की जगह वो पूरी ट्रांसपेरेंट है, वो पूरी ओपन है, कर्टन्स भी ऐसे जहां से सब दिख जाए, जो कि पूनम पांडे जैसे लोगों के लिए तो एकदम मतलब आ हा हा पांचों उंगलियां घी में
में, सर कढ़ाई में। वैसे भी पूनम पांडे की जो ऑडियंस है वो तो ये शो को टकाटक लगा कर देखेगी, टकटकी लगा करके देखेगी, क्योंकि पूनम पांडे जिस तरह से, मतलब मैंने बहुत कोशिश करी कि कुछ डिसेंट पिक्चर्स मिल जाए इसके पूनम पांडे के, लेकिन ऐसी पिक्चर्स मिल ही नहीं रहे जो मैं यहाँ दिखा सकूँ। अगर दिखाऊंगा तो फिर ये वीडियो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, 18 प्लस कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ OTT में एडल्ट चीज़ें परोसी जाएंगी, लेकिन ये कंगना और ये मीडिया वाले मुनव्वर फारूकी को एडल्ट कंटेंट वाला बोल रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं थूक थूक कर चाटी है मीडिया वालों ने भी। मीडिया वाले ये तो कह रहे हैं कि पायल आप ऑल्ट बालाजी को सॉफ्ट पोर्न बोला करती थी, लेकिन कंगना से कोई नहीं पूछ रहा कि आपने तो रिहाना को पोर्न सिंगर बोल दिया, लेकिन आप खुद एक ऐसी ऐप पर शो कर रही हो जो 18 प्लस कंटेंट देता, जो गंदी बात बनाता, जो समाज को बिगाड़ता है। ऐसे तो आप अपनी फिल्मों के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी संस्कार सनातन संस्कृति की बातें करती हो, लेकिन आप भी तो एक 18 प्लस कंटेंट ही होस्ट कर रही हो। तो यहां पर मीडिया भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुका है कि उन्हें एक्चुअली में होस्ट से कुछ भी नहीं पूछना था, वो पायल रोहतगी को टारगेट कर रहे थे, उल्टा पायल ने ही टारगेट कर दिया। कंगना को भी आईना दिखा दिया, मीडिया वालों को भी आईना दिखा दिया। तो ये रहा है मेरा एक रिएक्शन लॉकअप के फर्स्ट एपिसोड के ऊपर। अगर आपने वो लॉन्च एपिसोड देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो केवी या फिर तहसीन पूनावाला या पायल रोहतगी जो कि बिग बॉस करके वापस से यहां आए हैं, साबित हो रहा है कि बिग बॉस करने के बाद इनकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा इन्हें काम मिला नहीं, इसलिए घूम फिर कर वापस से 70 दिन के लिए एक शो में आ गए हैं। और कंगना रनावत यहां कह रही थी कि आपको मिलती 10 वीक की सजा। भाई सजा क्या, आप जैसे बिग बॉस में नहीं होता है दुनिया भर के वो नाटक करके अंदर भेजते ही है, यहां पर कंगना भी वही चुटकी बजाना ताली, आप पर आरोप लगे हैं ये, चलिए आपके आरोप साबित होते हैं, आपको 10 वीक की सजा। अरे ये शो आपका 70 दिन का है और 10 वीक की सजा मतलब क्या, 70 दिन के लिए सबको आपने अंदर ठूस दिया, अंदर सबको ठूसना ही था, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। उस पर वो गाड़ी में बिठा रहे हो और आप 3-3 कपड़े वहां पिक करने के बोल रहे हो, अंदर बड़ा सा सूटकेस, बड़े सा वो क्या बोलते हैं संदूक लोहे का मिल गया है, लोग कपड़े पिक कर रहे हैं जबकि सबको पता है कि जेल की कॉस्ट्यूम दी गई है। तो ये जेल के आवरण में एक बिग बॉस ही है एक तरह का। फर्क बस इतना है कि वहां एक लग्जूरियस लाइफ होता है और वहां बिग बॉस बोलते हैं कि बिग बॉस चाहते हैं, यहां एक लग्जूरियस जेल है जहां पर एक रोबोटिक आवाज है, पता नहीं वो ग्रेट खली की है या जो भी जेलर बना है वार्डन बना है उसे लूज मोशन लग गए हैं या वो कब्ज का शिकार है। एक अलग ही एकदम थकेली आवाज टाइप की है जो कि बोल रहा है कि आप टीम हो, ये आप ब्लू कॉस्ट्यूम लो, ये आप भगवा कॉस्ट्यूम लो, मतलब मुनव्वर फारूकी भी अब भगवामय हो चुका है। होप कि भैया लोग उसको संगी ना बोल दें अब। तो जैसे बिग बॉस में आते से ही फाइट होने लगती हैं, बिग बॉस OTT में हमने देखा यूं ही एवं फाइट होती हैं, यहाँ पर भी एक छोटी सी गाली के ऊपर वो दो लड़के जो एक लड़की के साथ वो एक कुछ नाटक करके अंदर भेजा गया, वही वो रील टिकटॉकर या मुजरे वाली, वो सॉरी इंस्टाग्राम रील पे मुजरा वाली, उसके साथ जो दो लड़के आए थे वो आपस में ही माँ बहन की गाली के ऊपर खाम खाम में लड़ने लग गए। मतलब वही बिग बॉस वाला तेवर है, लेकिन यह जेल का एक आवरण वहाँ पर रच दिया गया है, जेल के अंदर जेल, फिर एक काला पानी वाली जेल और छोटी छोटी सेल इंडियन टॉयलेट के साथ, तो एक अलग तरह का एक फील देने की कोशिश की गई है। अब ये तो खैर पहला इंप्रेशन है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आपको क्या लगता है कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।